हेलो फ्रेंड, वेलकम माय चैनल। दिस इज सुनील। डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फिर से हम यहाँ पे दोनों इंडेक्स की फुल एनालिसिस करने वाले हैं। ये देखने की हमारी कोशिश रहेगी कि कल निफ्टी की एक्सपायरी के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल होने चाहिए जिनको हमें कंसीडर करना चाहिए। तो लेवल एज इट इज वैलिड है। पहले आवर्ली चार्ट पे हम चीजों को समझ लेते हैं। निफ्टी का आपके सामने आवर्ली चार्ट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। मार्केट में सेम सिनारियो हुआ, मैंने आपको बताया था कि मार्केट ऑलरेडी एक रेंज में है। जब तक ये डाउन साइड में 19,667, मैंने आपको 19,650 बताया था, और अपर साइड में जो लेवल मैंने आपको बताया था फर्स्ट हर्डल यही पॉइंट था 19,830, उसके बाद 19,875 देखेंगे तो प्राइस ओपन हुआ। ओपन होने के बाद इसी रजिस्टेंस के पास से प्राइस पूरा नीचे फिर से पूरा ऊपर ट्रेड किया जा सकता था। ऐसा नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मैं अभी आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चीजों को समझाऊंगा, लेकिन अभी भी आवर्ली चार्ट पे हमारे लिए 19,875 और डाउन साइड में 19,660 ये लेवल अभी भी हमारे पास वैलिड है। इसी रेंज के अंदर हो सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस है। पहली चीज तो मार्केट के गैप अप ओपन होने के, क्योंकि सेकंड ट्रेडिंग सेशन में 1 घंटे की ये कैंडल देखेंगे तो एक शार्प रिकवरी देखने को मिली है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है मार्केट गैप अप ओपन हो जाए। तो इसको हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं उसके लिए हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम या 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे चीजों को हम क्लियर करते हैं किस तरीके से इसको ट्रेड किया जा सकता है। सेम सिनारियो हुआ, मार्केट क्या किया, मार्केट गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पे देखेंगे, सॉरी फ्लैट ओपन हुआ। फ्लैट ओपन होने के बाद एक हाई लगाया, एक लो लगाया। अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाते थे, इस लो के ब्रेक होने के बाद रेजिस्टेंस है। मैं आपको बार बार बताता हूँ कि अगर प्राइस सपोर्ट पे है तो कुछ इस तरीके का प्राइजेक्शन मैंने शॉर्ट कर सकते हैं, और रेजिस्टेंस पे कुछ इस तरीके से साइडवेज मार्केट को ट्रेड करने का। तो 5 मिनट के चार्ट पे जाएंगे तो क्लियर आपको यहाँ पे एक यम पैटर्न मिलेगा, ब्रेक हुआ, एक अच्छा मोमेंटम। सेम सिनारियो सपोर्ट के पास प्राइस यहाँ पे आया, यहाँ पे प्रीवियस एक स्विंग हाई था, वहां पे आया, फिर से एक हाई लगाया और एक लो लगाया, और फिर से इसी जगह से एक ट्रेड, यहाँ पे दो ट्रेडे हमें बहुत अच्छी यहाँ पे साइडवेज मार्केट के अंदर ही मिल चुकी हैं, मिली थी। लेकिन अब इसको हम किस तरीके से अब ट्रेड कर सकते हैं, अब फिर वही मार्केट में रेंज बाउंड। अगर प्लान मार्केट रेंज में ही ओपन रहता है तो फिर से आपको प्लान करना चाहिए कि रेंज रेजिस्टेंस पे कुछ इस तरीके का प्राइस स्ट्रक्चर बने तो यहाँ पे शॉर्ट करिए, और सपोर्ट पे प्राइस स्ट्रक्चर बने तब आप यहाँ पे रिवर्सल भी प्लान कर सकते हैं। लेकिन आपको ट्रेंडिंग मूव तभी मिलेगा जब प्राइस 19,875, आप इसको डायरेक्ट 19,900 मानिए, 19,900 के बाद आपको एक डायरेक्शनल ऑप्शन बाइंग मिल सकता है, और 19,660 के नीचे आप डाउनसाइड में एक अच्छा ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज इस रेंज के अंदर मार्केट बना है तो आपको फिर उसी तरीके से मैं आपको दिखाई भी देता हूं कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहां पे देखेंगे प्राइस क्या किया, ओपन हुआ, हाई लगाया, लो लगाया, एक हाई लगाया, और प्रीवियस लो को इसने जैसे ही ब्रेक किया एक क्लियर मोमेंटम में हमें यहाँ पे ट्रेड मिला। सेम सिनारियो हुआ कि हाई लगा, लो लगा, और प्रीवियस लो को इसने ब्रेक नहीं किया, इस हाई को ब्रेक किया, एक ट्रेड यहाँ पे रेजिस्टेंस तक का टारगेट मिल गया। इसी तरीके से साइडवेज मार्केट को ट्रेड किया जाता है। होप आपको यहां तक चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। तो चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो आवर्ली टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे पहले, और यहाँ पे जो इस प्लान किया गया था इसी जगह से एक बाउंस हमें यहाँ पे देखने को मिला है। अभी भी हमारे पास ये पर्टिकुलर रेजिस्टेंस है तो इसको हम ट्रेड करेंगे, लेकिन किस तरीके से सपोर्ट हमारे पास, ये पर्टिकुलर लेवल हमारे पास सपोर्ट है। लेवल क्या है, 43,200 हमारे पास एक क्लियर सपोर्ट है। 43,200 के पास हम 43,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी सपोर्ट की तरह देखेंगे। तो यहाँ पे हम इसको 15 मिनट पे कन्वर्ट करते हैं और देखते हैं किस तरीके से इसको हम ट्रेड कर सकते हैं। ये एक क्लियर शार्प सेलिंग है, ये फर्स्ट एक पुलबैक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि प्राइस यहाँ पे एक सेल ऑफ आया है और एक जस्ट पुलबैक है। तो ये पर्टिकुलर लेवल कौन सा है, 43,550-560 का लेवल। अगर प्राइस यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है तो ध्यान से चीजों को समझिएगा, ये लेवल हम मार्क कर लेते हैं और एक लेवल ये मार कर लेते हैं। अगर प्राइस फ्लैट ओपन होता है अपसाइड जाता है, उसके बाद रिवर्सल आता है यहां से, और रिवर्सल आने के बाद इसको ब्रेक करता है इस पर्टिकुलर लेवल को 43,600 को, आप यहां पे क्लियर बाइंग कर सकते हैं। लेकिन ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, हमने यहां पे फाइंड कर लिया। अगर प्राइस फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद प्राइस रेजिस्टेंस के पास जाता है, कुछ इस तरीके का सिनारियो बनता है, तो सबसे पहले आप यहां पे सेल का प्लान, सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। फिर क्या होगी, सपोर्ट तक का टारगेट ले लें, उसके बाद अगर सिनारियो कुछ इस तरीके से बन के फिर ब्रेक करता है तो आप क्लियर एक बाइंग का भी प्लान कर सकते हैं। लेकिन एग्रेसिव बाइंग आपको मैं अभी यहां पे प्लान नहीं, एग्रेसिव बाइंग आपको मैं यहां पे नहीं दे सकता, क्योंकि जस्ट एक पूरा सेल ऑफ, ये एक पुल बैक, प्रीवियस इंपल्स का करेक्शन। यहां पे आप पहले सेल का व्यू रखिएगा, उसके बाद सिनारियो अगर एसएल मार देता है तब आप यहां पे इस हाई के ऊपर बाइंग का प्लान कर सकते हैं। ये हो गया फ्लैट के सिनारियो, कोई बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है इस पूरे मूव का, अगर ये इतना ऊपर गैप अप 43,600 के ऊपर गैप अप ओपन हो जाता है तो वेट करिएगा। अगर 30 मिनट की रेंज का हाई निकलता है तब आप यहां पे बाइंग प्लान करिएगा। अगर लो ब्रेक करता है तो आप सेलिंग के लिए इसको भी प्लान कर सकते हैं। वो आपको चीजें यहां तक क्लियर हो चुकी होंगी। बहुत ज्यादा हाईर चांस है कि मार्केट गैप अप ओपन हो जाए, तो जिस हिसाब से जो कंडीशन बनती है उस अकॉर्डिंग आप इसको प्ले करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो जरूर लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।